हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप आपका जो डिवाइस रहता है इसके अंदर यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका रहता है फ़ोन साइज़ को कैसे चेंज कर पाएंगे। तो मेरा जो ओप्पो का डिवाइस है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर मुझे फ़ोन साइज़ को चेंज करना है, तो फ़ोन साइज़ को मैं कैसे चेंज कर पाऊँगा। तो सिंपली फ्रेंड्स, फ़ोन साइज़ को चेंज करने के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जस्ट मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मोबाइल के सेटिंग का ऑप्शन आता है, सिंपली क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स सेटिंग को क्लिक करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर नए हो तो लाइक करना ना बोलें। तो सिंपली फ्रेंड, फोन साइज को चेंज करने के लिए आपको अपने क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ और कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस सामने देखने को मिलता है, तो फोन साइज को सिंपली मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करूँगा, तो फ्रेंड्स फोन साइज को चेंज करने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन रहता है मेरा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस क्लिक कर देंगे। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपली फ्रेंड्स फोन साइज को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं फ़ोन साइज एंड डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे चेंज करने के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे देख लोगे यहाँ पे चेंज कर पाएंगे फ़ोन साइज को, यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे फ़ोन साइज आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कम करना चाहता हूँ तो सिंपली इसको कम कर लेंगे, तो फ़ोन साइज अप्लाई पे क्लिक करेंगे फ़ोन साइज चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।